दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आप सभी साथियों के लिए बहुत दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए दोस्तों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसके अलावा आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो ये वीडियोज़ वगैरह दोस्तों आप लोग ज़रूर अपने जितने भी साथी आप लोगों की UC की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फॉरवर्ड कर दिया करिए, ताकि और अधिक से अधिक नंबर में दोस्तों सभी साथी जुड़ पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर गिवन वर्ड का जो है एंटोनिम बताना। दोस्तों हमारे सामने क्या दिया हुआ है, लिबर्टी। आप सभी साथियों को पता होगा कि लिबर्टी का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्वतंत्रता। क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा आपका स्लेवरी, देखिए स्लेवरी का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुलामी। स्लेवरी का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुलामी। फ्रीडम का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, स्वतंत्रता, यानी किसी को जो है स्वतंत्रता देना, यानी किसी को फ्रीडम कर देना, उसका भी मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी मतलब दोस्तों किसी को स्वायत्तता देना, ये भी होता है। रिजर्वेशन का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, किसी को आरक्षण देना। आप सभी साथी इसके से बहुत भलीभांति परिचित होंगे। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता का दोस्तों अपोजिट क्या हो जाएगा, गुलामी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेकर के। देखिए सेकेंड में हमको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट appropriate word. The old man wished to denote his wealth for the अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रेंड। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता दोस्त, देखिए अगर हम लोग बात करें इमेंस, इमेंस का मतलब होता दोस्तों बहुत अधिक, इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक। एक्सक्लूसिव का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो कोशिश करने पर भी पकड़ में ना आए। एक्सक्लूसिव मतलब होता है, एक्सक्लूसिव मतलब होता है जो कोशिश करने पर भी दोस्तों पकड़ में ना आए, जो कोशिश करने पर भी पकड़ में ना आए। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है बहुत तीव्र या जो है किसी तरीके की इच्छा रखना। ठीक है, ठीक है ना। और बात करें इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब आप लोग देखिएगा द ओल्ड मैन विश टू डिनोट हिज वेल्थ एंड अपलिमेंट ऑफ द डाउन ट्रेंड, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जो आदमी था वो अपनी बहुत ही ज़्यादा अपनी इच्छा रखता था, बहुत अधिक प्रसिद्धि के लिए, अपने वेल्थ के लिए कितना मैं हो जाऊँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इमंस, यानी बहुत अधिक प्रसिद्धि के लिए वो इच्छा रखता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर के। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दोस्तों हमको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पढ़ना है, इसमें क्या हमारा वर्ड होगा आप लोगों को बताना है। देखिए यहां पर दिया हुआ दोस्तों कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होता है, सचेत, क्या होता है, सचेत। कॉरिजेबल, कॉरिजेबल दोस्तों कॉरिजेबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सके, ये होता है। कंप्लीजेंट दोस्तों, कंप्लीजेंट का मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्टि। कंप्लीजेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। सभी साथी ध्यान रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। कंटेम्प्लिजिबल का मतलब दोस्तों क्या होता है, घृणित। क्या होता है दोस्तों, कंटेम्प्लिजिबल का मतलब होता है घृणित। अब आप लोग देखिएगा इसमें कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट नहीं है दोस्तों, इसमें जो हमारी स्पेलिंग है अगर हम लोग बात करें दोस्तों, डी वाली स्पेलिंग हमारी क्या है दोस्तों, रॉन्ग, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगर यहां पर दोस्तों हम लोग बात करें कंटेम्प्लेबल का मतलब, देखिए स्पेलिंग होती है CONTEMPLIBLE, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। इसकी आंसर की भी दोस्तों आपका वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, आप लोग अपने हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेकर के। देखिए फोर्थ में हमको क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, लेट अस नॉट निगलेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑल दो पर्श मॉनेटरी ऑफ द प्लेजर। अब दोस्तों अगर हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए आपका जो अंडरलाइन, देखिए पर्स मोमेंट्री प्लेजर, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर हम लोग इसको देखने का प्रयास करें, इसका मतलब होता है दोस्तों
कि आपको यहाँ पर दिया है V4 फॉर्म, यानी V4 मतलब जो आपका मोमेंट्री प्लेजर, यानी अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो आपका मोमेंट्री प्लेजर नहीं, परस्यू मोमेंट्रिंग पर प्लेजर, यानी आपका यहाँ पर क्या दोस्तों V4 यानी कि V+ING लगना चाहिए था दोस्तों हमारा, कहाँ पर इसमें दोस्तों इरर है। अब देखिए ये चीज़ें आपकी कहाँ पर लगी हुई हैं, देखिए आपका यहाँ पर लगा फाइल परस्यूइंग मोमेंट्री प्लेजर, यानी दोस्तों जो परस्यू है परस्यू में दोस्तों क्या लगना चाहिए था, ING लगना चाहिए था, यानी क्या हो जाएगा परस्यूइंग हो जाएगा। तो हमारा राइट यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, यानी परस्यू के जगह दोस्तों हमारा क्या होगा परस्यूइंग होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी साथियों को खूब अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के, ही किक्ड अप अ रोफ व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू एम्यूजमेंट पार्क। अब देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा idiom है, देखिए ही किक्ड अप अ रो, ये दोस्तों हमारा idiom है, और ही किक्ड अप अ रो का मतलब दोस्तों क्या होता है, विवाद पैदा करना, क्या होता है दोस्तों विवाद पैदा करना, ठीक है कहीं पर विवाद पैदा करना उसको बोलते हैं ही किक्ड अप अ रो। अब देखिए इसमें क्राइड विद अ सॉरो यानी दुख के साथ रोना क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर वेटेड अ क्यू एक लाइन में इंतजार करना, किक्ड अ गार्ड किसी गार्ड को धक्का वगैरह मारना, क्रिएटेड अ फस यानी किसी चीज़ को छोड़ करके आगे निकलना, कोई फस यानी कोई विवाद पैदा करना, देखिए दोस्तों इसका हमारा राइट है यानी क्या हो जाएगा, क्रिएटेड अ फस यानी कोई विवाद कोई झगड़ा पैदा करना दोस्तों क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसेंट, ट्रांसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता, ट्रांसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है आप सभी साथी को बताना। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें ट्रांसेंट, ट्रांसेंट का मतलब आप सभी साथी बताएंगे क्या होता है दोस्तों, क्षणिक, क्या होता है क्षणिक, ट्रांसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है क्षणिक। अब देखिए स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब कौन साथी नहीं जानता आप बताइएगा, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कौन सा साथी जो हमारा नहीं जानता स्टेशनरी का मतलब, ठीक है कौन सा साथी जो नहीं जानता स्टेशनरी का मतलब आपको। टेम्पोरल का मतलब दोस्तों यही होता है, परमानेंट का मतलब अस्थाई, क्रिएशल का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्रिएशल का मतलब आप सभी साथी बताएंगे, क्रिएशल का मतलब होता है दोस्तों कभी कदा नहीं, जो चीज़ें दोस्तों हमारे हाथ में ना हो, जो चीज़ें हमारे पास ना हो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा परमानेंट, यानी क्रेशियल का मतलब जो दोस्तों हमारे पास थोड़ी देर के लिए हो फिर चला जाए, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब दोस्तों टेम्परेरी समझ सकते हो, स्टेशनरी का मतलब होता है एक थोड़े समय के लिए, ठीक है यानी जल्दी, यानी स्टेशनरी का मतलब आप स्वाप विशेष भी लगा सकते हो, ठीक है। और ट्रांजेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है क्षणिक, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों परमानेंट, यानी जो अस्थाई हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के, देखिए 7th में हमको क्या दिया है, सेलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू गिवन वर्ड, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप अ थ्रोन का मतलब दोस्तों क्या होगा अभी आप सभी साथियों को बताना है। टू गिव अप थ्रोन का मतलब दोस्तों होता है सिंहासन का त्याग करना, यानी सत्ता का त्याग करना, सिंहासन का दोस्तों त्याग करना होता है। अब देखिए दोस्तों वैंक्यूथ का मतलब होता है दोस्तों वसीयत, यानी किसी चीज़ की वसीयत हो किसी पे आदमी का नहीं होता कि ये हमारे बाबा दादा की जायदाद है यह तो हमारी है, ठीक है। अब बात करेंगे अगला, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एबडिकेट, देखिए एबडिकेट के बारे में दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एबडिकेट का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, जो चीज़ हमारे बस में ना हो जिस पर हमारा एकदम कब्जा, कॉन्सिंग मतलब दोस्तों क्या होता है, और अर्श प्यूब का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, इनका भी मतलब दोस्तों आपका वसीयत से यानी कोई पुराने खजाने से रिलेटेड ही है। ये दोस्तों हमारा 7th का राइट हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एबडिकेट, यानी किसी चीज़ की वसीयत या सिंहासन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। ये टू गिव अप थ्रोन का मतलब होता है एबडिकेट करना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, किसी सिंहासन को छोड़ देना, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8th को लेकर के, देखिए 8th में दिया है दोस्तों आपका ये पैरा जंबल है, और पैरा जंबल के दोस्तों आपका ये 7th नंबर की सीरीज है, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि साथी आपको क्या करना है कि चीज़ों को पहले पढ़ना, व्हाट कैन बी डू अबाउट एंगर द प्रोवोकेशन, एंगर एंड टेंशन आर प्रिवलेंट ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस, द सोसाइटी इज फुल ऑफ पीपल हु थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, वी नीड टू डेवलप आवर सेल्फ एट द कैपेसिटी ऑफ कन्वर्सेशन टू टर्न निगेटिव एक्सपीरियंसेस इन टू पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए दोस्त अगर हम लोग बात करें हमारा पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, आप सभी साथी देखिएगा कि दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस क्या हो सकता है दोस्त अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले दोस्तों क्या है, द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें एंगर भी आएगा, फिर उसके अंदर उसके क्या निगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो भी आएगा, फिर क्या हम चीज़ों को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं उसके, मैंने सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या आएगा सोसाइटी। देखिए हमारा यानी
जो ऑप्शन स्टार्ट होगा दोस्तों सी से स्टार्ट होगा। देखिए कौन कौन से ऑप्शन सी से हैं दोस्तों, देखिए ना तो हमारा ए है ना तो हमारा डी है, दो ऑप्शन आपने कट कर लिया। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, देखिए सोसाइटी थिंकिंग द डिफरेंटली। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें एंगर एंड टेंशन। देखिए सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं जो अलग अलग तरह से चीज़ों को सोचते हैं। एक तो एंगर और टेंशन के बारे में, यानी सी के बाद दोस्तों बी। देखिए सी के बाद दोस्तों बी किसमें आ रहा, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी हमारा तीनों ऑप्शन इलिमिनेट कर चुके हैं हम लोग। इसी तरीके से दोस्तों आपको एओसी के पेपर में जाकर के अपने ऑप्शन को इलिमिनेट करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को खूब अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के। देखिए दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए रिटिसेंट, रिटिसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है आप सभी साथियों को बताना है, रिटिसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए रिटिसेंट का मतलब होता है दोस्तों चुप रहने वाला। क्या दोस्तों, चुप रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रिटिसेंट कहते हैं, यानी चुप रहने वाला। अब देखिए साइलेंट का मतलब चुप, गर्जियस का मतलब दोस्तों क्या होता है, बातूनी। गर्जियस मतलब क्या होता है दोस्तों, बातूनी, और हमको सिनोनिम ही बताना है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब दोस्तों वो ज़्यादा बोलता है, जो बहुर्मुखी हो, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब दोस्तों जो आत्मविश्वासी हो, तो आपको बताना है दोस्तों। यानी रिसेजेंट का मतलब होता है दोस्तों चुप रहने वाला, तो चुप रहने वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइलेंट, यानी जो चुप रहता है। यानी रिसेंट का मतलब भी, रिटिसेंट का मतलब भी चुप रहने वाला, और साइलेंट का मतलब भी चुप, यानी सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के। 10th में हमको क्या दिया है, द कमेटी मेंबर्स वर इन ओवर द बजट फॉर द फंक्शन। अब देखिए दोस्तों जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए वो क्या, डिफरेंस का मतलब दोस्तों अलग अलग, डी, ठीक है। डिसेंट का मतलब, यहां पर आप सभी साथी देखेंगे कि डिसेंट का मतलब क्या होता दोस्तों, उतार। डिसेंट का मतलब होता उतार, और डिफरेंस, डिफरेंस देखिए डिफरेंस एक ये है दोस्तों, डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता दोस्तों आदर या फिर चुप की भावना रखना। अब देखिए डिसेंट का मतलब दोस्तों आपका क्या होता, मतभेद। डिसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता, मतभेद। तो देखिए जो कमेटी मेंबर्स थे उनके बजट को लेकर के आपस में क्या होंगे, मतभेद होंगे भाई, क्या होंगे, मतभेद होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी सबको समझ में चीज़ें एकदम अच्छे से आ रही होंगी। दोस्तों एओसी के लिए इससे बेहतर इंग्लिश आपको कोई नहीं करवा रहा, जितना दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसको मेहनत को आपको अदा करना अपने पेपर को निकाल के, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंसिस्ट द ग्रामेटिकल एरर। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्पल्सिव डांस परफॉर्मेंस। आप सभी साथी देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, इसमें हमको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करना है। देखिए हैव गिवन, देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें हैव के स्थान पर, देखिए आपको कहाँ पर दिया है ये दोस्तों, देखिए हैव के स्थान पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमारा हैज होगा, क्योंकि दोस्तों जो सब्जेक्ट ईच, देखिए जो सब्जेक्ट आपका दोस्तों ईच है, ईच गर्ल के बारे में बात की दोस्तों, जो ईच हमारा दोस्तों क्या है, सिंगुलर है। जब दोस्तों हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है, यानी जो ईच गर्ल के बारे में बात की वही जो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर प्लूरल है कैसे लगेगा, यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगा, हैज लगेगा। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दोस्तों, एरर है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए में एरर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12th को लेकर। देखिए 12th में क्वेश्चन से क्या पूछ रखा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम द गिवन सेंटेंस। द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ठीक है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई अप्रत्याशित घटना का होना, यानी कोई अप्रत्याशित घटना का होना, जिसकी दोस्तों उम्मीद नहीं करते हैं, कोई अप्रत्याशित घटना का होना, घटना का होना दोस्तों हमारा क्या होता है, अ बोल्ट फ्रॉम द ट्रबल, अ थंडर स्ट्रॉम, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अ विंडफॉल, एन अनमिक्सियस वार्निंग। अब सभी साथी आप बताओगे दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन होगा, आपको देखते ही दोस्तों पता चल रहा होगा कि इसका हमारा राइट क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड, जिसकी दोस्तों इच्छा ना कर रहे हो, ऐसी कोई घटना जिसको हम लोग सोच नहीं रहे हो, कोई डिजास्टर हमारे ऊपर आके गिर जाए एकाएक, अरे क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो जाए एकाएक, तो दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिजास्टर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में दोस्तों हमारे बहुत सारे साथी, जो हमारे बहुत कुलीग वगैरह थे जिनकी डेथ हुई है, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, बहुत सारे नौजवान साथी भी हमारे गए। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करें सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ बताना दोस्तों कौन सा जो स्पेलिंग है जिसके हमारा ठीक है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हमारा जो दिया है अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ठीक है, अटेंडेंस मतलब क्या है, प्रदर्शन, यानी कहीं पर जाकर के उपस्थित होना, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंस दोस्तों, एरोगेंस का मतलब दोस्तों क्या होता, उद्दंडता, यानी थोड़ा जो क्या हो उद्दंड हो, जो थोड़ा सा। अबंडेंस का मतलब दोस्तों क्या होता, और अवेरेंस का मतलब, दोनों का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता, प्रचुरता, क्या होता दोस्तों, प्रचुरता।
उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेहतर तरीके से। देखिए दोस्तों, अगर बात करें आपका बी ऑप्शन जो दिया है अबंडेंस, अबंडेंस के दोस्तों अगर स्पेलिंग की हम लोग बात करें तो क्या होता है, ए बी यू ई एन डी ए एन सी, ये ध्यान रखना ई होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी में हमारे क्या है दोस्तों, ऑप्शन जो स्पेलिंग है ए बी ई एन डी ए एन सी, ये दोस्तों हमारा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के। देखिए 14 में हमको क्या दिया, गिव द गिवन बिलो द आवर फोर जंबल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन द करेक्ट ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर फिर से हमको पढ़ के जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है हमको निकालना। देखिएगा, वनली द फाइटेस्ट क्रिएचर कैन सर्वाइव फाइलिंग कम्पीटिंग ऑफ फॉर फूड, वाई डू सम स्पीसीज सर्वाइव एंड अदर बिकम एक्सटेंट, हिज आंसर दैट द क्रिएरलेस सज स्ट्रगल फॉर लाइफ एमंग ऑल क्रिएचर्स, दिस वॉज द क्वेश्चन दैट ड्रॉन आस्क्ड हिमसेल्फ। दोस्तों आप इसको देखिए, पूरे सेंटेंसेस को आप खूब अच्छे से देखिएगा। अगर दोस्तों हम लोग इसमें बात करें, देखिए सबसे पहला क्या, वाई डू सम स्पीसीज सर्वाइव अदर एंड कंप्लीट, यानी सबसे पहले दोस्तों किस कुछ स्पीसीज के बारे में बात किया गया उसकी बात आएगी। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या आएगा, बी नंबर आएगा। देखिए ऑप्शन ए और बी तो खत्म, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके बाद हमारा क्या आ सकता है, यानी अगर हम लोग बात करें फाइव टू स्पीस सर्वाइव द अदर्श अदर्श बिकम एक्सटिंक्ट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद दिस वाज द क्वेश्चन ड्राइंग द आस्क हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों को खुद से पूछा था, यानी ये क्या होगा, बी के बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, डी आएगा। बी के बाद हमारा क्या आएगा, डी आएगा। देखिए बी के बाद यहाँ पर सी आया तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए पैरा जंपल को दोस्तों आपको इसी तरीके से करने पड़ेंगे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं और ये आपके आएंगे। देखो नेक्स्ट आएगा हमारा दोस्तों फ्यूरी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है, आप सभी साथी बताओगे कि फ्यूरी का मतलब क्या। देखो फ्यूरी का मतलब होता है दोस्तों बहुत अधिक गुस्सा होना, क्या होना, बहुत अधिक गुस्सा होना दोस्तों हमारा क्या होता है, फ्यूरी। ठीक है, सौरव का मतलब दुख, एंगर का मतलब गुस्सा, क्रूरली का मतलब दोस्तों क्रूर, फाइट का मतलब दोस्तों झगड़ालू। अब आप सभी साथी बताओगे इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों एंगर, एंगर हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों अपना, देखिए 16 से लेकर के 20 तक हमारे फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों और आपके पेपर में आएंगे। ठीक, अब यहां पर देखिए दोस्तों 16 नंबर को, देखिए यहां पर दिया है देयर वाज स्टिल अ लाइट ऑन मून्स रूम, द ऑफ्टन स्टेट रीडिंग लेट इनटू द नाइट, मैगी हैड हर लव बुक फ्रॉम हिम, व्हेन सी रिफ्यूज विथ हिम फ्रॉम बैड ड्रीम, नथिंग कुड लुल बैक टू स्लीप बेटर देन मॉम्स क्लैम ब्रीदिंग हर एंड साउंड द पैसेजेस टर्निंग। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले पहले एक बार आप स्टोरी को पूरा पढ़ लो, आपको स्टोरी समझ में आ गया है कि उसमें बोला क्या गया है। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका आया स्टेड अप, अगर बहुत दोस्तों में यहाँ बात करें स्टेड अप का मतलब होता है, आपको बता दूँ कि देर तक जगे रहना। ठीक है, देर तक जगे रहना। और स्टे अवे का मतलब दोस्तों जो यहाँ पर स्टे अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर जाना। स्टे फॉर का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी चीज़ का अनुभव करना है, किसी चीज़ पर टिके रहना। स्टे आउट का मतलब दोस्तों किसी कार्यक्रम को के समाप्ति तक टिके रहना या समाप्ति के बाद वहाँ से जाना। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर ए यानी स्टे अप, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, देर तक जगे रहना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो नाइट नाइट की बात हो रही है, देर तक देर लेट नाइट का मतलब दो रात देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कुछ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों मैगी हैड लव अदर बुक्स। देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 17 नंबर में क्या हो जाएगा, इनहर्टेड, यानी मैगी अपने बुक से बहुत अधिक लव करती, इनहर्टेड लव करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का, व्हेन सी रिफ्यूज, व्हेन सी रिफ्यूज, दोस्तों अगर 18 की बात करें दोस्तों क्या, व्हेन सी टुक रिफ्यूज, क्या हो जाएगा दोस्तों, टुक रिफ्यूज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुड नुल हर वैक, दोस्तों क्या हो जाएगा 19 में दोस्तों क्या, हर, देखिए किसी फीमेल की बात हो रही दोस्तों इसके लिए क्या आता है, हर आता है। आप सभी साथियों को उम्मीद करता हूँ चीज़ें भी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, देखिएगा यहाँ पर कि ब्रीदिंग हर एंड शुड द पेजेस टर्निंग, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिसाइड, क्या हो जाएगा दोस्तों, बिसाइड द टर्निंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना इस सीरीज में। देखिए हमको दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, द हंचबैक वाज बीइंग लॉन्च्ड एट बाय एवरीवन।
आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका मतलब क्या, एक्टिव फॉर्म है, नहीं इसका हमको एक्टिव फॉर्म बताना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखोगे तो क्या दिया है कि एवरीवन, देखिए एवरीवन इज यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा पास्ट है, ये तो होगा नहीं, आप ऐसे निकाल दो। यहाँ पर देखो प्रेजेंट टेंस की बात किया, यहाँ निकाल दो। अब देखो दो ऑप्शन हमारे सामने आ गए, यहाँ पर देखो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों हमारा सेंटेंस भी देखो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर इसका हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका किस में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन नंबर है, आप इस तरीके से, यानी एवरीवन वाज लॉकिंग एट द हंच पैक, यानी दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन नंबर है, हमारा राइट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपका एक्टिव पैसिव के रूल का एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर के सभी साथी इसको देख लो, आपको बहुत मदद मिलने वाली है, आपको किसी प्रकार का एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके पेपर में आने वाले भी हैं, सेलेक्ट द वन वर्ड ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड, अ ट्रेड दैट द इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दोस्तों ऐसा व्यापार जो कानूनी रूप से दोस्तों वैध ना हो, यानी कानूनी रूप से दोस्तों क्या हो, ऐसा व्यापार जो कानूनी रूप से वैध ना हो, या दोस्तों इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं अवैध, ठीक है, अवैध, यानी जो कानूनी रूप से अवैध व्यापार हो, आपको बताना दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले दोस्तों, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 22 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, इलिसिट, इलिसिट का मतलब दोस्तों अवैध होता, इलिसिट का मतलब दोस्तों अवैध होता, इनक्रेडिबल मतलब दोस्तों जो अविश्वासी हो, इल्यूसिव का मतलब दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इल्यूसिव की बात करें दोस्तों, देखिए इल्यूसिव का मतलब हमारा क्या होता है, जादूगर, इल्यूसिव का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, जादूगर। इनेप्ट का मतलब दोस्तों अगर बात करें हम लोग, यहाँ इनेप्ट का मतलब होता है अनुचित, अनुचित का मतलब दोस्तों होता है अनुचित, दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, यानी हमारा इलिसिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर, सेलेक्ट द करेक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पैसिव फॉर्म बनाता बताना, एक्टिव दिया हुआ पैसिव बनाना। देखिए सम पीपल बिलीव दैट द डिसिप्लिन मीन बिहाइंड द सबमिशन ऑफ द अथॉरिटी। देखिए दोस्तों आप इस सेंटेंस को देखिएगा, अगर आप साथी इस सेंटेंस को अच्छे से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, इट इज बिलीव बाय सम पीपल दैट डिसिप्लिन मीन बाय बिहाइंड द सबमिशन ऑफ द अथॉरिटी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको मैं कहता मैंने रूल डाल दिया, आप लग जा करके सारे रूल को देख लीजिए, आपके इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपके दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाना, ये हर बार आता है। वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज द वुमेन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन आल्सो एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब दोस्तों आप पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों, एक्सेस इज एजुकेशन आल्सो एम्प्लॉयमेंट, ये कोई नहीं है, एक्सेस एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, या तो एजुकेशन को लेंगे या तो एम्प्लॉय, ऐसा नहीं दोस्तों, ये भी गलत, यानी एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो एक्सेस करेगा वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को करेगा। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ा करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का 25, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आप सभी साथी बता सकते हो किस में जो है ग्रामेटिकल एरर है। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊँ, इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्टेड बी कुड हैव वन द मैच, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, देखिए आपका यहाँ पर आया हुआ है बीन, ये देखिए दोस्तों आपका आया हुआ है बीन, यहाँ पर आप सभी साथी देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है बीन, देखिए आप यहाँ पर देखिए क्या दिया है, नॉट बीन, ठीक है। इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्टेड, अगर हम लोग कुछ चीज़ों को ड्रॉप नहीं, कैचेस को ड्रॉप नहीं करेंगे तो वी हैव वन द मैच, तो हम लोग जरूर मैच को जीतेंगे। दोस्तों बीइंग के जगह पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बीन होगा। ये आपको पता है कि दोस्तों क्या होता है, बीन आता है, बीइंग तो दोस्तों आपका आता है कॉन्टिन्यूस में, वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी साथियों को चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और मैं आपको यहाँ बता दूँ दोस्तों आपका बहुत बेहतर तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। आप सभी साथी अधिक से अधिक संख्या दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। इसके अलावा दोस्तों आप सभी साथी जो साथी चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पाने के लिए इसका पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर, और इसके अलावा दोस्तों आप लोग इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन, इसके अलावा इसका जो पीडीएफ नोट्स है, आंसर की है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पेड तरीके दे रहा हूँ। वहाँ पर दोस्तों 500 से अधिक बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग भी वहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें आपको साथियों मिल रही है, आपके सारे डाउट वगैरह को मैं वहाँ पर क्लियर करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।